आज आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास स्कोडा कंपनी की फेरिया गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर का कंप्लेन क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए राइट साइड का जो डोर का लॉक है, चाबी डालने पे देखिए एकदम फ्री घूमता है। देखिए पूरा फ्री घूमता है। इसको एक साइड, ये साइड सिर्फ इतना वर्क करना चाहिए, एक साइड खुलना चाहिए, एक साइड लॉक होना चाहिए। देखिए ना लॉक होता है ना खुलता है। देखिए कहीं भी घुमाएंगे पूरा फ्री है। देखिए तो फ्रेंड, हम इसका डोर पैड जो है उसको ओपन करेंगे और डोर पैड ओपन करके चेक करेंगे कि ये चाबी का क्या प्रॉब्लम है, लॉक फ्री हो गया है या इसका जो लैच आता है लैच में प्रॉब्लम है। जो भी है हम आपको खोलते हैं और खोल के स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा फ्री है। देखिए ये आपको फ्री नहीं घूमना चाहिए। देखिए पूरा फ्री हो गया है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, ये जो कवर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कवर को आप ओपन कर लीजिएगा। इसके अंदर दो स्क्रू दिखेगा। देखिए ये स्क्रू आपको ओपन करना पड़ेगा। दो स्क्रू ओपन करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं ये इसके अंदर लॉक है। तो आपको ये जो डोर लैच आता है, ये डोर लैच भी ओपन करना पड़ेगा। डोर लैच आपको ओपन करेंगे तभी आपको उसका लॉक दिखेगा। इसका एलंकी लाइए। फ्रेंड, इसके अंदर भी एक एलंकी है। ये एलंकी खोलेंगे तो आपका ये जो लॉक है वो बाहर आ जाएगा, तभी आपका डोर लॉक बाहर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा लॉक बाहर आ गया है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है करके। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था, इसका जो डोर का लॉक है वो पूरा फ्री हो गया है। देखिए ये पूरा फ्री घूम रहा है। तो फ्रेंड, इसके एक लॉक में प्रॉब्लम है, ये चाबी का लॉक है। ये देखिए, तो ये क्या हुआ फ्रेंड, हमने इसको बहुत कोशिश किया ढूंढने का तो ये कहीं पे मिला नहीं। तो इसके लिए हमने इसका सेकेंड हैंड में लॉक अरेंज किया है। देखिए ये इसका सेकेंड हैंड वाला है, ये इसका जूना वाला है। ये देखिए ये यहाँ पे स्टॉक होना चाहिए जैसा हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे लॉक हो गया। ऐसा आप करेंगे तो आपका गाड़ी खुल जाएगा और ऐसा आप करेंगे तो आपका गाड़ी लॉक हो जाएगा। ये देखिए ऐसा ही वर्क होना चाहिए। गोल गोल नहीं घूमना चाहिए। गोल गोल घूम गया तो समझ लीजिए आपका जो चाबी का लॉक है पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके चेक करेंगे कि हमारा गाड़ी लॉक अनलॉक होता है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। देखिए पूरा गोल घूम रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसका सेकेंड हैंड लॉक हमने अरेंज किया है। ठीक है, तो ये लॉक हम बिठाते हैं और बिठा के चेक करते हैं कि हमारा जो डोर लॉक का इशू था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये इसका स्क्रू है जो लॉक हमने रिप्लेस किया है। देखिए यहाँ से स्क्रू आता है, अब संभाल कर लगाइएगा, ये गिर जाता है डालते समय। फ्रेंड, इसको एलंकी से टाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो है ये टच हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए स्क्रू टाइट नहीं हो पा रहा है। आपका बॉक्स बना दो। ये हमारा लॉक का स्क्रू भी टाइट हो चुका है। अब हम डोर को बंद करके चेक करते हैं कि हमारा चारों डोर लॉक होता है कि नहीं।
हमने डोर लॉक किया है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारा डोर लॉक है। दोनों चेक करो, ये देखिए। अब हम अनलॉक करते हैं, ये हमने अनलॉक किया, देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा लॉक अनलॉक का प्रॉब्लम था, तो हमने इसमें की जो है रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो हम रिपेयर करने गए तो ज़्यादा खर्चा बता रहे थे, हमको 3-3.5 हज़ार का खर्चा बता रहे थे, उससे कम में हमें ये लॉक अरेंज हो गया सेकेंड हैंड, तो हमने सेकेंड हैंड लॉक इसका चेंज कर दिया है। देखिए जो हमारा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। देखिए एक बार और आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने गाड़ी लॉक किया, ये देखिए अभी हम अनलॉक करके दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, हमारे इस गाड़ी में सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम था लॉक का। हमारे कस्टमर का जो कंप्लेन था वो इतना ही था कि गाड़ी लॉक नहीं होता था, एक डोर लॉक नहीं होता था, बाकी तीनों डोर लॉक होता था। तो हमने चेक किया तो इसका चाबी जो आता पूरा फ्री हो चुका था, हमने आपको दिखाया ही था। तो हमने इसका जो चाबी का की है वो दूसरा मंगाया, सेकेंड हैंड में अरेंज किया और लगा के आपके सामने हमने दिखाया, तो जो गाड़ी का प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड ये गाड़ी बहुत दिन से खड़ा था, इसका लॉक जल्दी अरेंज होने वाले थे, तो आप गाड़ी का कंडीशन देखिए, कम से कम 20-25 दिन बाद हमें वो लॉक अरेंज हुआ है, तो हमने आज लगाया है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम अभी इसको अच्छे से वॉश करके हमारे जो कस्टमर जी है उनको बुलाएंगे और ये गाड़ी डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो था लॉक का। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।